कंसेप्ट। ये केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पूरी केमिस्ट्री में अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि मोल कंसेप्ट में जो है आप केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हैं, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, सब मोल के टर्म्स में होती हैं कि भाई एक ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट्स बने सी और डी। तो ए की कितनी क्वांटिटी ले, बी की कितनी ले, सी कितना बनेगा, डी कितना बनेगा, यही सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है डिस्कशन में। और केमिस्ट्री में क्या केमिकल इक्वेशन, हर केमिकल इक्वेशन में आपको स्टोचियोमेट्री की कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो केमिकल स्टोचियोमेट्री की कैलकुलेशंस के लिए आपको मोल कंसेप्ट जो है बहुत जरूरी है। अब एक मोल इजी टू होता है 6.02 × 10^23। इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये एवोगैड्रो नंबर कि एक मोल में 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स, और आपके वन मोल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वन मोल एटम भी हो सकते हैं, वन मोल आयन भी हो सकते हैं, वन मोल आपके जो है पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। यदि हमने कहा एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 6.02 × 10^23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये भी हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 6.02 × 10^23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका 1.6 × 10^-19 कूलम। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आ जाती है 96500, जिसको हम लोग फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो मोल आपका एक कलेक्शन है, कितनी आइडेंटिटी इसका 6.02 × 10^23। मोल कंसेप्ट की मदद से हम लोगों ने जो माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं उनको मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज में कन्वर्ट करा कि भाई मोल कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन ली H2+Cl2 changes to 2H, इसका भी हमने 1 ग्राम ले लिया, इसका भी 1 ग्राम ले लिया, तो क्या इसके 2 ग्राम होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। चीजें जो है वो मासिस की रेशियो में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है ना। चीजें जो है मासिस की रेशियो में रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो मॉलिक्यूल्स की रेशियो में रिएक्ट करती है। ये केमिकल इक्वेशन बता रही है कि इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक 2 मोल, इसके 2 मोल। और मॉलिक्यूल कितनी छोटी चीज है, माइक्रोस्कोपिक चीज है, और माइक्रोस्कोपिक चीजों में हम लोग डील नहीं करते, हम लोग तो मैक्रोस्कोपिक चीजों में डील करते हैं, जैसे 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। अब जो ये वैल्यू है, यदि इसमें हम 6.02 × 10^23 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 1 मोल हाइड्रोजन। ये क्या बन जाएगी, 1 मोल क्लोरीन, और दैट इज इक्वल टू 2 मोल HCl। यदि इसका मास देखें तो वो कितना बैठेगा हमारा, 2 ग्राम, इसका मास 71 ग्राम, और टोटल मास 73 ग्राम। तो जो आपके मोल कंसेप्ट है उसने माइक्रोस्कोपिक चीजों को जो छोटी छोटी ग्राम्स, मतलब माइक्रो और से भी माइक्रोग्राम्स में वैल्यूज थी, उनको ग्राम्स किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, और केमिकल स्टोचियोमेट्री का हमारा एक बेस तैयार कर दिया।